श्रीमती प्रेम गुप्ता बहुत ही नेक अते मिठ बोलड़े सुभा दे मालक सन। आप सदा ही परमात्मा दी रजा विच रहंदे अते धार्मिक अते समाजिक कम्मा विच व चढ़ के हिस्सा लैंदे सन। दुनिया विच अजेहे इंसान वेखण नूं घट ही मिलदे हन। उना दे चंगे संस्कार उना दे बच्चियां विच सहज ही वेखे जा सकदे हन। श्रीमती प्रेम गुप्ता जी हुणां दी याद विच इक धार्मिक समागम उना दे पुत्तर श्री मनीष गुप्ता, श्री संदीप गुप्ता अते उना दे समूह परिवार वल्लों नवजीत फार्म उना रोड हुशियारपुर विखे करवाया गया, जिस विच सब तो पहला पंडित जी वल्लों प्रवचन किते गए अते बाद विच दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वल्लों अपने प्रवचना राही हाजरी लगवाई गई। इस मौके कई उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती। अंत विच समूह परिवार वल्लों आईयां होईयां संगतां दा धन्नवाद कीता गया अते कुल संस्थावां नूं माता जी दे निमित दान दी राशि भेंट कीती गई। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। देवलं तदेव लक्ष्मी पते तेजुं समरामि यत्र जगेशो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत श्री भूते दूर्वा नितिर्मम अननाशित जंतो मां ये जना प्रदुपाते तेषां नित्याभियुक्तानां योगेशं भाम्यं स्मृते सकल कल्याण भाजनम पुरुषं तंजं नित्यं भजामि शरणं हरि सर्वेश्वर अवतारेषु कैति भुवनेश्वर देवादिशंकूनां सिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दनः विनायकं गुरुवान् ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणो यादो सरस्कारे ते सिद्धे दिव्या बलशत्रादि शस्त्रांतं नेर्गच्छति नेकानि च शस्त्राणि सर्व अल्पायु विघ्न पोत्य। संसार का मोह तो नाश करने के लिए केवल शब्द का बोध समर्थ नहीं, जैसे दीपक की बात करने से अंधकार निवृत्त नहीं होता है, बुद्धिहीन मनुष्य का करना ऐसे है जैसे अंधे को दर्शन। इससे बुद्धिमानों के लिए ही शास्त्र तत्व ज्ञान का लक्ष्य कराने वाला है। ये ज्ञान है और ये जानने योग्य है, इन सबके सुनने की इच्छा करता है, परंतु देवताओं के हजार वर्ष की आयु होने पर भी शास्त्र का पार नहीं मिलता। शास्त्र तो अनेक है और आयु थोड़ी है, विघ्न करोड़ों है। श्रीमती प्रेम गुप्ता जी जो हमारे मध्य में नहीं है, उन दिवंगत आत्मा को पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया, जिसे कहते हैं शोक सभा। ये सामूहिक सभा होती है। सामूहिक सभा अर्थात जब व्यक्ति अकेला अकेला कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रार्थना उसकी जो भावनाएं हैं वो प्रभु तक अवश्य पहुंचती है। जब संसार में किसी व्यक्ति के जीवन में पीड़ा वेदना या दुख का अवसर आता है और जब समाज के अच्छे लोग मिलकर जो उसकी वेदना को कम करने के लिए उसके संग होते हैं, तो हमारे महापुरुषों ने ऋषि मुनियों ने ऐसे सामूहिक सभाओं का आयोजन किया जिसमें हम इकट्ठे बैठकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर सके। और आज हम उन्हीं महा को श्रद्धा सुमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी संस्कृति का बहुत सुंदर सा नियम है। हमारी संस्कृति के कुछ स्तंभ हैं, कुछ पिलर्स हैं, कुछ ऐसे रूट लेवल्स हैं, ऐसे मूल हैं जिस पर हमारी संस्कृति खड़ी है और उससे बनती है आगे परंपराएं। गौ, गीता, गंगा और गायत्री। जब एक व्यक्ति हिंदू दर्शन के अंदर, भारतीय दर्शन के अंदर, उसके मन में ये भावना रहती है कि मैं अपने जीवित रहते एक गाय का दान कर सकूं, क्योंकि कहते हैं एक गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और एक मनुष्य यदि एक गौ माता की सेवा करता है तो उसका अर्थ हुआ कि उसने 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन कर दिया। किसी गौ दान, गौ की सेवा करना, गरुड़ पुराण के अंदर भी यह विधान बनाया गया है और विष्णु धर्मोत्तर सभी पुराणों में कहा गया है
अगर कोई गाय के लिए सेवा करता है, उसके लिए चारे का प्रबंध करता है, कसाई के हाथों से कटती हुई गाय को बचाता है, वो स्वर्ग की सीढ़ी को प्राप्त करता है। आगे है गंगा। मरने से व्यक्ति के मन में यह भावना होती है, जीवित व्यक्ति के मन में भी, कि मैं गंगा जाऊं, मेरे मुख में गंगा की बूंदें डाली जाए, क्योंकि गंगा का स्पिरिचुअल रीजन है, अर्थात युगों युगों से जो उस विष्णु लोक से, महादेव की जटाओं से, ब्रह्मा जी के कमंडल से, श्री विष्णु के चरणों से होती हुई हमारी धरती भारत पर आई है गंगा, जिनके घाट पर करोड़ों ऋषियों मुनियों ने, जो ब्रह्मनिष्ठ हुए, ईश्वर का एकाकार करने वाले हुए, उन्होंने तपस्याएं की, साधनाएं की, तब जाकर वो गंगा और पवित्र हो गई। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, ये काल इतना बलवान होता है, कब किसी को दबोच लेगा हमें पता भी नहीं चलता है। वो माता जी बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक, सभी के यहाँ मृत्यु होती है, अगर जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। बुद्ध ने कहा, लेकिन इस जन्म और मृत्यु की प्रहेलिका के मध्य में, इस जन्म और मृत्यु के, मरण के मध्य में जो इंटरवल है, जो तुम्हारे पास समय है, उसके मध्य में कुछ ऐसा सीख कर जाए, उस ज्ञान को प्राप्त करके जाए, जिसके द्वारा मृत्यु भी सुंदर बन सकती है। कबीर जी देखे क्या कहते हैं, हम डरते हैं मौत से, कबीर जी कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो कहते हैं, जो संसार मृत्यु से डरता है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। कबीर जी कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है मरने के बाद ही उस प्रभु से मिलन हो सकता है, पूर्ण मिलन, कोई व्यवधान नहीं, जिसमें कोई रुकावट नहीं। देखिए, वो कबीर जो एक बड़ी साधारण सी कुटिया में रहते हैं, वो कबीर जो आज की टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, वो कबीर जो वेल एजुकेटेड नहीं है, जो वेल सेटल्ड नहीं है दुनिया की दृष्टि से, वो कबीर लेकिन बिना टेक्नोलॉजी, बिना बाहरी एजुकेशन, बिना बाहरी किसी स्किल्स के, बिना बाहरी किसी आर्टिफिशियल एंड पैटी मटेरियलिस्ट लाइफ के, बिना भौतिकवाद के, बाहरी संसाधनों के, कबीर को वो मिल गया जो हमारे पास है, सब कुछ होते हुए। इसलिए भगवत प्रेमियों, ये फ्यूनरल सेरेमनीज, ये संस्कार परंपराएं जो बनाई जाती हैं, ये हमारे सीखने के लिए बनाई जाती हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, अगर अपने भाइयों को जीवित करना चाहते हो युधिष्ठिर धर्मराज, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और यक्ष ने संवाद के रूप में प्रश्न किया, प्रश्नता बन बैठा, और उसने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्य मतः परम, कौन सा आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने अपने विवेक का संबल लिया और उन्होंने कहा, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमाल्य स्थावर मिच्छन्ति शेषा मिच्छन्ति यमाल्य किम आश्चर्य मतः परम, अर्थात इस संसार में सभी को जाना है, लोग इस कथन को, इस अकाट्य सत्य को भूल जाते हैं और इसको भूलकर दुनिया में ही लिप्त रहने की कोशिश करते हैं, और ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए आप देखिए, जब आप शमशान घाट में जाते हैं एक मृतक की शव यात्रा को लेकर, कंधे पर चार कंधों ने उस अस्थि को उठाया होता है। सज्जनों, जीवन का सबसे बड़े वैराग्य का क्षण होता है वो क्षण, जो जो व्यक्ति उस पल को देखता है, कुछ पलों के लिए बड़े से बड़े व्यक्ति के अंदर भी वैराग्य आ जाता है कि एक दिन मुझे भी ऐसे ही जाना है, दोनों हाथ खाली है, लोगों ने उठाया और ये आंखें खोलकर अब नहीं देख रहा, इसके मुख पे पसीना आ रहा है या कुछ और हो रहा है ना, उसे पता ही नहीं, वो मस्ती से लेटा है, वो चल रहा है, उस यात्रा ने उसे उठाया है। हमारे अंदर वैराग्य आता है और चलते चलते हम इन्हीं प्रश्नों की ऊहापोह में शमशान घाट के भीतर में पहुंच जाते हैं, और भीतर जाकर उस अर्थी को कंधों से नीचे रखा जाता है, चिता अग्नि तैयार की जाती है, वो चिता जो अंतिम विश्राम स्थली है, और वहां पर उस मृतक देह को रख दिया जाता है। घर के लोग आवाजें लगाते हैं, माँ उठो, माँ तो उठते क्यों नहीं हो, पुत्र आवाजें लगा
पुकारते हैं, माँ उठो मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा छोटा पुत्र हूँ। उनकी संतानें आती हैं, विलाप करती है, पुत्रियां आती हैं, माँ देखो मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुमने अपने हाथों से मुझे विदा किया था, ससुराल भेजा था। माँ तुम उठती क्यों नहीं हो, तुम देखती क्यों नहीं हो, माँ नहीं उठते हैं। वो माँ जो अपने बच्चे की हल्की सी पीड़ा पर कराह पर भागी चली आती थी, आज वो माँ नहीं उठती है, सारा कुटुंब रो रहा होता है, सभी विलाप कर रहे होते हैं, बचपन की स्मृतियां याद करवाते हैं। श्री कृष्ण जब मथुरा में गए गोकुल छोड़कर, तो वो भी अपनी माँ के चरणों में फूट फूट कर रो पड़े थे, क्योंकि माँ का अस्तित्व इस संसार में बहुत महान अस्तित्व है। ईश्वर के बाद अगर इस संसार में किसी को भगवान कहा जाता है, या वो गुरु होता है जो ब्रह्म ज्ञान देता है, या वो माँ होती है जो संस्कार देती है। अपने चरणों में सदा के लिए स्थान प्रदान करें। बहुत से महानुभाव, बहुत से सज्जन, बहुत से देवियां, बहुत सी पूजनीय महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर खुद परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के सदस्य श्री अविनाश राय जी खन्ना, जो कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप हैं, वो यहाँ पर स्वयं उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर स्थानीय विभागकार, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री सुंदर श्याम जी अरोड़ा स्वयं यहाँ पर परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत से म्यूनिसिपल कमिश्नर्स यहाँ पर आए हैं, बहुत सी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। मैं परिवार की तरफ से इन सभी महानुभावों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद कहता हूँ। परिवार के द्वारा कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लिए दान दिया गया है, इन संस्थाओं का मैं नाम बोलने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है कि इन संस्थाओं के प्रतिनिधि बाद में पंडित जी से ये जो दान की राशि है प्राप्त कर सकते हैं। माता कुमात्या देवी मंदिर नजदीक आईके कॉलेज होशियारपुर, माँ चिंतपूर्णी सत्संग सेवा सोसाइटी जगतपुरा, हिंदू बहुरक्षिणी सभा होशियारपुर, श्री गोविंद गोधाम गौशाला आलमवार रोड होशियारपुर, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परिवार की तरफ से चीफ मिनिस्टर लीग फंड जम्मू कश्मीर के लिए ये दान राशि दी जा रही है। मैं यहाँ पर राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना जी से निवेदन करूंगा कि ये चेक वो प्राप्त करें। धन्यवाद, साधुवाद।